हेलो गाइज, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते। आज हम आपको ऑस्ट्रेलिया में किस प्रकार के मकान होते हैं उन मकानों को दिखाएंगे। जो मेरे रिलेटिव है उनका जो यहाँ पर मकान है उसका मैं हाउस टूर करवाऊंगा पूरा, और दिखाऊंगा कि किस प्रकार के मकान यहाँ पर बनते हैं और किस प्रकार के मकानों में यहाँ पर फैसिलिटी होती है, क्या मकानों में सुविधा होती है। पूरी डिटेल में आपको इस वीडियो के द्वारा दिखाया जाएगा। वीडियो को पूरी देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ये जो मेरे ब्रदर इन लॉ है अश्विनी, उनकी बेटी है समायरा। नमस्ते करो। और मैं अब इनके जो बेटे हैं उनसे भी आपका परिचय कराऊंगा। नमस्ते करो। नमस्कार। क्या नाम आपका? आम अंच है, पूरा नाम अंच कुमार है। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? सातवीं। कौन से स्कूल में? हाईलैंड्स क्रिश्चियन कॉलेज। तो कैसा लगता है आपको ऑस्ट्रेलिया? ठीक लगता है। और इंडिया? इंडिया में जाने का मन करता है आजकल, क्योंकि कोविड-19 की वजह से जाने के लिए नहीं मिला था। अब एयरपोर्ट्स खुल गए तो हम जाएंगे शायद। तो अभी इंडिया जाने का प्लान आ गया? हाँ। तो आज आपके मकान का जो नया मकान बना है उसका हाउस टूर करते हैं। ठीक है, अभी हम आपको यहाँ के जो मकान है वो दिखाएंगे, किस प्रकार के मकान होते हैं और क्या क्या यहाँ पर सुविधा होती है। आप जो मकान देख रहे हैं, हमारे रिलेटिव है जो अश्विनी जो ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, पिछले 14 साल से उन्होंने ये मकान बनाया है और अभी मकान कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी मकान का कार्य चला हुआ है, कुछ काम अभी पेंडिंग है, लेकिन फिर भी हम जो मकान बना हो उसका हाउस टूर करवाएंगे। सबसे पहले तो आपको बता दें कि यहाँ पर मकान जो सिंगल स्टोरी बने हुए हैं तकरीबन, और जो छत है वो तिरछी होती है। छत के ऊपर आप देखते हैं सोलर पैनल लगे हुए हैं, सोलर की जो प्लेटें हैं, और जो ये खाली जगह है आगे पर, यहाँ पर घास अभी लगनी बाकी है। और ये जो रास्ता बिल्कुल सीधा जाता है गैरेज की तरफ जाता है। ये जो सामने है गैरेज है, गैरेज के अंदर गाड़ियाँ खड़ी होती है। जो ये सामने गेट है ये ऑटोमेटिक गेट है, और साइडों में खुलने के बजाय ये खुल के ऊपर छत पर फिट होता है। यहाँ का फ्रंट गेट है जो मकान का मेन गेट है। मेन गेट में एंट्री करने के बाद सबसे पहले इधर एक कमरा आता है, एक बेडरूम है। बेडरूम में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बेड लगे हुए हैं, और बेडरूम के साथ ही बाथरूम अटैच है। इधर नहाने के लिए ग्लास लगा हुआ है, और एक टॉयलेट है सामने। ये स्टोर है, और स्टोर में भी अलमारी का जो काम चला हुआ है, अलमारी भी बनने लग रही है। और आपको बता दें कि जो तकरीबन दीवारें हैं, जो ये सभी दीवारें हैं यहाँ पर लकड़ी है, लकड़ी के यहाँ पर मकान बनते हैं। सीमेंट का बहुत ही कम प्रयोग होता है, तकरीबन मकान लकड़ी के हैं। पूरा का पूरा जो मकान है वो लकड़ी का बनता है, और लकड़ी के मकान की फिनिशिंग भी देख सकते हो किस प्रकार की यहाँ फिनिशिंग है। यहाँ की जो कलाकारी है, मिस्त्रियों के जो गेट घाट सब लकड़ी के है। फर्स्ट कमरे के निकलने के बाद साइड में मीडिया रूम है। मीडिया रूम में लाइटें लगी हुई है जो हर बार अपना अपना रंग पलटती है। सोफे है यहाँ पर, और सामने एलईडी है। सोफे भी ऑटोमेटिक है। अब बता दें कि यहाँ पर बटन लगे हुए, बटन से सोफे आगे खुल जाता है। जैसे इसको अगर लेटने के लिए बनाना है तो लेटने के लिए बन जाता है, बंद करना है तो बंद भी। और ये एलईडी है सामने, नरवाना की आवाज़ आप एलईडी पे भी देख सकते हो।
नरवाणी की आवाज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये यहाँ का स्टडी रूम है, स्टडी के लिए एक कुर्सी यहाँ पर लगाई गई है। यहाँ पर जो अंश था वो जो वीडियो में आप देखा है शुरू में, वो यहाँ पर स्टडी करता है, इसको स्टडी रूम कहा जाता है। मकान का एक गेट गैरेज के साथ भी अटैचमेंट है, और जो शुरू में आपको दिखाई गई थी वो गैरेज का गेट ये इस प्रकार है। ये खुल के ऊपर बिल्कुल छत पर लग जाता है। ये यहाँ की गैरेज है, गैरेज से अलग एक गेट हो रहा है जो यहाँ का बैक है, बैक में जाता है। ये सामने रखा हुआ फ्रिज है, यानी अगर आप गाड़ी से उतरकर डायरेक्ट अपने घर में प्रवेश कर सकते हो, मेन दरवाजे पर जाने की जरूरत नहीं होती। तो अब मैं आपको बताऊंगा हमारे घर के बारे में। ये हमारा मीडिया रूम है, शायद मेरे फूफा ने बता दिया होगा। तो अब ये हमारा किचन है, यहाँ पर जैसे कि स्टोरेज है खाना का। इधर लाइट सफेद हो, ये रही हमारा स्टोरेज, और ये रहा हमारा 86 इंच टीवी, और उधर है हमारा बाहर का डिनर टेबल। कभी कभी हम वहाँ खा लेते हैं इफ मौसम अच्छा हो। किचन, और ये हमारा किचन है, और ये धोने वाला है, और ये हमारा फ्रिज है दूसरा। और हम यहाँ पर ड्रम से बैठ के देख सकते हैं, और वो हमारा एसी का टैबलेट, हम यहाँ से ही एसी चला सकते हैं आराम से। और अब यहाँ से लेके हम जाएंगे मेरे कमरे में। ये है मेरा कमरा, यहाँ पर मैं सोता हूँ। यहाँ पर जैसे कि क्लोजेट है, हम यहाँ पर हमने अपने कपड़े रख सकते हैं। तो अब हम जाएंगे हमारे बाथरूम में। ये हमारा बाथरूम, हम नॉर्मल लाइट कर सकते हैं, हम हवा खींचने वाला कर सकते हैं, और हम हीट लाइट कर सकते हैं। और हमारा बाथ, और यहाँ पर है हमारा शावर, और ये हमारा बड़ा सा मिरर। तो हमारा टॉयलेट, यहाँ पर जा सकते हो अपना कलर रह के, और ये हमारा हाथ वॉश करने वाला। आप सोप यूज कर सकते हो, वरना ये शैम्पू टाइप। सो ये है हमारा लॉन्ड्री, यहाँ पर जैसे की चीज़ें रखते हैं लॉन्ड्री के लिए, और यहाँ पर हमारा गंदे कपड़े रखते हैं इसमें, और ये हमारा मशीन है। और लॉन्ड्री से बाहर इफ हम जाएंगे, ये गेट कर सकते हैं, लॉक हो सकता है। तो हमने यहाँ पर थोड़ा सा ग्रीन रखा है, जिसकी हमने यहाँ पर पेड़ लगाई हुई है। ये हमारा कपड़ों सुखाने वाला है, हम नीचे कर सकते हैं जब मर्जी। जाएंगे हमारे फूफा जी के कमरे में। तो ये है हमारा फूफा जी का कमरा, यहाँ पर फूफा सोते हैं, और ये द्वारा आ गया कपड़े रखने वाले। तो यहाँ पर हमने ये हमारा प्ले एरिया आना चाहिए था, पर क्योंकि बारिश हो रही थी कल, तो हमको कपड़े सुखाने पड़े। और ये है हमारा वैक्यूम, इलेक्ट्रिक है। ये है हमारा दादी का कमरा, नाइस एंड नीट, और यहाँ पर वहाँ दादी मेरे अपने कपड़े रखती है। अब हम जाएंगे बाहर, जहाँ पर ग्रीन होएगा, जैसे कि नहीं होने वाला। यार ये अभी तो अभी हम घास लगाने वाले, वो जल्द सारी जगह, यहाँ पर सारी जगह हम घास लगाने वाले हैं। तो ये हमारा डाइनिंग टेबल जो बता चुका हूँ मैं, यहाँ पर बाहर खाते हैं कभी कभी जब अच्छा मौसम होता है। तो वाटर रेन वाटर टैंक है,
हम यूज़ कर सकते हैं वहाँ से और वहाँ से, तीन जगह, हम एक्चुअली पांच जगह से यूज़ कर सकते हैं ये रेन वाटर। और यहाँ पर थोड़े से फूल आ गए और थोड़े से एसी है, ये हमारा एसी का है, यहाँ पर दो जनरेटर्स है। और ये हमारा पुराना वॉशिंग मशीन था जो थोड़ा सा ख़राब हो गया था, तो हम इसको रख देंगे किधर। तो ये है हमारा हॉट वाटर, ये जनरेट करता है गर्म पानी। तो ये जगह तो दिखा दी होगी मैंने, यहाँ पर हमारा ग्रीन है, मिर्चियाँ लगाते हैं हम, स्पिनच भी लगाते थे हम पहले। तो ये आगे मेरा, और यहाँ पर एक रास्ता है एंट्रेंस सा, एक रास्ता वहाँ से आता है, एक रास्ता उधर से आता है, थोड़ा सा खुला हुआ। तो हम वहाँ पर गेट लगाएंगे बाद में जब हमारा घास लग जाएगा, तो ये होएगा दूसरा एंट्रेंस। पर यहाँ पर भी हम ड्रॉ लगा देंगे। तो ये तुम्हारा इलेक्ट्रिक बॉक्स है, पावर कर सकते हैं। और ये भी पानी वाला मीटर है, और यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक है। और ये हमारी वन ऑफ द टूटी है जो रेन वाटर करता है। तो अब हम आएंगे फ्रंट में। तो ये रे हमारे दो बिन, हम आगे लगाएंगे जब टाइम आएगा। तो शुरू कर रहे हैं बनाना, हम शुरू बना रहे हैं अपना मेल बॉक्स, हम बहुत जल्दी करने वाले हैं ख़त्म। बस पेंट करना है और थोड़े से और ईटें लगानी है, और वो हमारा पेड़। और यहाँ पर पूरे ग्रास लगाएंगे, और ये हमारा लाइट है और कैमरा उधर ऊपर। हमारे पास बहुत कैमरा है ऐसे करके हर जगह छुपाए हुए हैं जिससे कोई देख ले नहीं और पर कैमरा देख सके। तो ये हमारे लाइट्स है दो गराज के सामने, जिससे गराज के लाइट होए। और ये हमने वुड एंड प्लैंक लगाई है टाइप ऐसा। तो हमारा कॉम्बिनेशन था ब्लैक एंड वाइट, पर हमने गराज का भी ये कलर करा क्योंकि थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा था पहले। और यहाँ पर जैसे कि हमने एंट्रेंस में आ गए हम अब, तो यहाँ पर एक वो है पानी वाला। तो अब बस थोड़ा सा रह गया, यहाँ पर विंडोज मारी। स्निंग है जो कि यहाँ पर जब हम सारा घास लगा देंगे तो यहाँ पर हम अपना गेट लगा देंगे जिससे कोई घुस नहीं सके आराम से। और वहाँ पर भी लगा देंगे बहुत जल्द, जिससे हमारा एक एंट्रेंस होए, एक्चुअली तीन एंट्रेंस होए डोर से। पत्थरों का पर अंदर से पूरा हम अंदर से भी पत्थर का कर सकते, पर हमने डिसाइड करा लकड़ी का क्योंकि हमारे पास जैसे कि ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। तो हमने फिर भी हमने थोड़ा सा ब्रिक्स लगाई है अंदर, जिससे ये हाउस थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग स्टे रहे। और यहाँ पर हम ये लकड़ियाँ लगाते हैं, हमारे पास इतनी प्रॉपर्टी नहीं होती पर ऐसे ऊपर जाते रहते हम स्टेयर्स की तरह। ये हम इस लेवल में है, फिर एक और घर होएगा वो हमसे थोड़ा सा नीचे होगा, और ये घर हमारे से थोड़ा सा ऊपर है। और बता दें कि हमारे साथ है ये समायरा जो ऑस्ट्रेलियन है, हम इससे बातचीत करेंगे। क्या कहना है ऑस्ट्रेलिया के बारे में? सबसे पहले तो अपना नाम बताओ, क्या नाम आपका? श्वाना। आपके पापा क्या नाम है? अश्विन। और आपकी मम्मी का क्या नाम है? पुष्पा। और दादी का? ताई। और भाई का, भैया का? अंशप्रीत भैया। और अंश क्या लगता है तेरा? अंश भैया बेबी। अंश भैया बेबी का? हाँ। कितने साल की है तू? 20 साल की? हाँ। अभी ये 3 साल की हुई आपको बता देगी। और ये छोटी बच्ची है, और एक देखो छोटी बच्ची है समायरा इसका नाम है, और ये ऑस्ट्रेलिया में पैदा हुई है, और ऑस्ट्रेलियन कल्चर है इसका। और लेकिन हम इसको चाहेंगे कि इंडिया की तरह बोल चलना रहन सहन सीखे, और लगातार इसको ट्रेन भी किया जा रहा है।